हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज तक की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी उबली हुई आलू, एक छोटी कटोरी दही और एक कच्चा अंडा लिया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक बड़ी साइज की प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन। बर्तन में डालेंगे उबली हुई आलू, कच्चे अंडे को हम तोड़ कर इसमें डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा और आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी दही। दही डालने के बाद इसी में हम डालेंगे एक चम्मच चीनी, फ्राई की हुई प्याज। प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा को डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैदा इसमें और ऐड करेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों में तेल लगाकर अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इसी तरह हम इसके सारे बॉल्स बना लेंगे। सारे बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर पैन में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस बॉल्स को इसमें डालेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड अच्छे से उलट पलट कर फ्राई करेंगे। एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बची बॉल्स को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये भी एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे भी पलट कर दूसरी साइड गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये भी दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी निकाल देंगे। तो दोस्तों, उबले हुए आलू और दही का टेस्टी ब्रेकफास्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यह बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। तो आपको मेरी यह ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।